आजादी के बाद नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल अलग तरह के दौर का गवाह रहा है। दशकों तक ये क्षेत्र उपेक्षा और उदासीनता का शिकार रहा। जब दिल्ली में बैठकर पॉलिसी बनाने वालों को सिर्फ इतने भर से मतलब था कि किसी तरह यहां चुनाव जीत जाए। आप जानते हैं ये स्थिति कई दशकों तक बनी रही। जब अटल जी की सरकार बनी उसके बाद पहली बार इसे बदलने का प्रयास किया गया। वो पहली सरकार थी जिसने नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए अलग मंत्रालय बनाया, लेकिन उनके बाद आई सरकार ने उस मोमेंटम को आगे नहीं बढ़ाया। इसके बाद बदलाव का नया दौर 2014 के बाद शुरू हुआ, जब आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। पहले की सरकारें सोचती थी कि अरुणाचल प्रदेश इतना दूर है, नॉर्थ इतना दूर है, दूर सुदूर सीमा पर बसे लोगों को पहले आखिरी गांव माना जाता था, लेकिन हमारी सरकार ने उन्हें आखिरी गांव नहीं, आखिरी छोर नहीं, बल्कि देश का प्रथम गांव मानने का काम किया। नतीजा ये कि नॉर्थ ईस्ट का विकास देश की प्राथमिकता बन गया। अब कल्चर हो या एग्रीकल्चर, कॉमर्स हो या कनेक्टिविटी, पूर्वोत्तर की आखिरी नहीं बल्कि सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है। बात ट्रेड की हो या टूरिज्म की हो, टेलीकॉम की हो या टेक्सटाइल की हो, पूर्वोत्तर को आखिरी नहीं बल्कि सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है। ड्रोन टेक्नोलॉजी से लेकर कृषि उड़ान तक, एयरपोर्ट से लेकर पोर्ट से कनेक्टिविटी तक पूर्वोत्तर देश की प्राथमिकता है। भारत का सबसे लंबा ब्रिज हो या सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज हो, रेल लाइन बिछानी हो या रिकॉर्ड तेजी से हाईवे बनाना हो, देश के लिए पूर्वोत्तर सबसे पहले है। इसी का परिणाम है कि आज नॉर्थ ईस्ट में अपेक्षा और अवसरों का नया दौर शुरू हो चुका है, नया युग शुरू हो चुका है। आज का ये आयोजन नए भारत की इस अप्रोच का बहुत शानदार उदाहरण है। डोनी पोलो एयरपोर्ट अरुणाचल का चौथा ऑपरेशनल एयरपोर्ट है। आजादी के बाद से 7 दशकों में पूरे नॉर्थ ईस्ट में केवल 9 एयरपोर्ट थे, जबकि हमारी सरकार सिर्फ 8 वर्षों में 7 नए एयरपोर्ट बना दिए। यहां कितने ही ऐसे क्षेत्र हैं जो आजादी के 75 वर्ष बाद अब एयर कनेक्टिविटी से जुड़े हैं। इस वजह से अब नॉर्थ ईस्ट आने जाने वाली उड़ानों की संख्या भी 2 गुना से ज्यादा हो चुकी है।